हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशन पे, डिबेट पे, एक्सटेम्परी पे। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी वैल्यू है? आप सब जानते हैं बच्चों का पूरा सिलेबस अंग्रेजी में है, वाइल ऑन द अदर हैंड डे इन डे आउट दे स्पीक इन हिंदी, वो सिर्फ हिंदी में बात करते हैं। यानी जिस लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो अलग है और जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। और ऐसी कंडीशन में हमारे ब्रेन की फंक्शन बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, हमारा ब्रेन एक अलग पैटर्न पे काम करने लगता है। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, हमारे बच्चे दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्रैमिंग, कॉपी एंड पेस्टिंग। सो एक्सटेम्परी डिबेट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे धीरे धीरे करके हम उस लैंग्वेज को फ्लो में लाते हैं और उस बच्चे के ब्रेन में वो सारे वर्ड्स एंड वोकैबुलरी स्टार्ट होते हैं फंक्शन करने, फ्लो करने, सो दैट कि वो बच्चा जो भी कंटेंट लिखा है कॉपी में या किताब में लिखा है, फॉर दैट मैटर उसके चैप्टर में, वो उसको अच्छे से समझ पाए। यही एक प्रोसेस जो हमने शुरू किया है, इनिशिएट किया है एक्सटेम्परी के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, ताकि वो बच्चा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बोल पाए और फ्लुएंसी से बोल पाए। इसमें हम चेक करेंगे बच्चे की फ्लुएंसी, इसमें चेक करेंगे उसकी वोकैबुलरी का यूजेज, इसमें चेक करेंगे कैसे वो फिलर्स का यूज करता है, इसमें चेक करेंगे उसका बॉडी लैंग्वेज, सो दैट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर कैन बी टेकन आउट। सो इस एक्सटेम्परी में हम देखते हैं कैसे हमारे बच्चों ने बिहेव किया है ऑनलाइन एक्सटेम्परी में, ऑनलाइन डिबेट में, हाउ आर किड्स आर परफॉर्मिंग, लेट्स सी। आपको डू यू नो आर्टिकल 370? यस सर। ओके, सो योर टॉपिक इज आर्टिकल 370, यू नीड टू स्पीक 1 मिनट कंटिन्यूअसली, राइट? सो वी नीड टू चेक योर फ्लुएंसी, योर बॉडी मूवमेंट, योर आई कॉन्टेक्ट एंड वोकैब एंड फिलर्स, ओके? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट। Well, good afternoon, everybody. Okay, my topic is Article 370. This is the topic. Article 370 is an old topic. Well, today I am going to express my views on the topic Article 370. Well, this is an issue related to India and Kashmir. Well, nowadays Kashmir is not a state; it is come under a union territory. But previously Kashmir is a state having Article 370. Well, you all know that India has an old constitution, but when the Indians get freedom from Britishers, the king of Kashmir that time and Jawaharlal Nehru taken a meeting and said that Kashmir got another constitution known as Article 317 or Article 15A. This is for only temporary, but when Jawaharlal Nehru died, so the king of Umar Abdullah's father has done that time he has done the Article 370 permanently. Nowadays, some 4 to 5, 6 months ago, Narendra Modi Narendra Modi deleted Article 370 from Kashmir, and they making Kashmir is not a state, and now Kashmir is a union territory. There is a law and we have to follow it in order. So, well, certainly a person is not following the laws or the rules of the country. Audio music. And it comes in many different apps like big music, Ghana, and so many more. It has many apps, games, and hygiene, and when the food must be hygiene, then it will protect our body. If it is unhygiene, then it can. A mobile phone, also known as headphone, cell phone, or cellular phone. Telephone is a modern portable radio telephone. The mobile phone can be used to communicate. कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से बोलो, जो आपको मन करता है वो बोलो मौली। ब्रेक डांस,
कथक, क्लासिकल एक्सेट्रा, और डांस मेरी हॉबी है। डांस कारिका, टुडे आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट योगा। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट रियलाइज दैट अवर एक्सरसाइज आर डूइंग प्रॉपरली, इट नॉट हैव एनी वेट, एंड ऑल पीपल आर डूइंग दिस इन लॉकडाउन। सो मच ऑफ पीपल आर डूइंग देयर वेट्स बाय योगा, सो वी शुड डू योगा इन रेगुलर टाइम व्हेन वी आर फ्री। सो लिसन टू अस बिकॉज it get harmful. We smell through our nose, and lung pollution is very harmful. Because क्योंकि वो वहाँ पे मच्छर होते हैं, वो हमें डेंगू कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जो वाटर पोल्यूशन होता है वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, बिकॉज हम पानी पीते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, और हम उसी पानी में नहाएंगे तो हमारे हमारे शरीर में कीटाणु आ जाएंगे। पोल्यूशन से एनिमल्स मर रहे हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज कलर्स? कलर्स आर द मेन in which we do everything. We do painting and everything in colors. Older, the movies are black and white, but now these the because of the technology, the movies are in colors, colored. There are many types of colors, like watercolor, pencil color, and many types of color. We do everything we do in colors. So color has a very important so color are very important. We can die if we can play so much of time. The kids got very much time on PUBG. It can harm their eyes, brain, and I. It is very important for our lives to be healthy, taking care of our body health. So, is it? Pencil help us write, draw, and draw little things, color. And the pencil is the pencil writes shapes and colors shapes. That's why that. Then you can write the pencil. The mom writing the question. Answer the questions. And poems. It can give us very knowledge. And we can search everything on it. It has many of apps, or it can be many of apps, means we can download many apps on it, like Chrome, and many games of big GBs, and we can also in और रेगिस्तान में कभी वाटर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, एंड वाटर इज वेरी वाटर इन अवर रिवर्स, लेक्स, एंड ओशियंस बिकम्स ओके। Good afternoon everyone, today I speak on the topic pollution. So, you know, pollution is increasing day by day, and it is increasing because of us only. We are using the vehicles which are run by petrol and diesel. So, they petrol and diesel just burn and spread to throughout the world, and that pollution spread throughout the world, and pollution increase. And one day will come, we are not able to breathe clean air. You know, pollution has... Your topic is Wuhan. You need to speak on Wuhan. What is all about Wuhan? Okay, can you please start? Only 1 minute. Yes. Okay. Hello everyone. I am Krishna, and I am here to speak some points about Wuhan. Well,
Corona and Wuhan are only two seeds of China. They all are a hazard for us and for them also. Wuhan, we know that China's economy is very high, and for that only Wuhan is working to just raise up the China's economy. So we look clearly about the Wuhan, about the history of Wuhan, about the present of Wuhan. Wuhan is not a good city. Wuhan's peoples are not good. In China, there is dictatorship. No democracy is there. Same thing Wuhan only. Because in Wuhan, if you go in Wuhan, you will not feel secure in that city. You will not feel secure at all. And if you see about the materials, about the food of Wuhan, they are also not good. They are bad. Because the people don't care about anything else, or what the people will think about the tourists when they will come. They don't think about that. They just do what they want. There is no tomorrow, we say that, and this is called philosophy. Yesterday has passed over, and we have to work on our present actually to improve our tomorrow. So, everybody say that, I will see you tomorrow, tomorrow, tomorrow. What is tomorrow? Tomorrow is up to come, and yesterday has gone. So, we are living in our present. So, we are improving our present to improve our past. So, as you all know, life contains many things like anger, attitude, gratitude. This is important in our life, and we should maintain that. And we should live in a good attitude, we should not be some ego, and we should live in a good manner and to friendly everyone. If I'll take an example, there are 100 people in a room, and you shake hands, you speak very properly in a good manner to them, and one day you met with an accident. So all the 100 people will say, oh, my friend's accident is there, I have to help them. And on the other hand, if you talk to them very angrily, with attitude, with eagerness, nobody will come to help you. तो इसमें आपने देखा कि कैसे बच्चों ने अलग अलग टॉपिक पे बोला, और उनके बोलने में बहुत सारे फ्लॉज भी थे. कुछ अटक रहे थे, कुछ फंबल कर रहे थे, और कुछ सोच रहे थे, कुछ उनके दिमाग में वो वर्ड्स नहीं आ पा रहे थे. सो इस माध्यम से, इस एक्सटेम्परी के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, हम आपके बच्चों के अंदर एक फ्लॉलेस फ्लुएंसी लेकर आना चाहते हैं कम्युनिकेशन में, सो दैट वट एवर दे आर रीडिंग एज ए कंटेंट इन देयर बुक, इट शुड बी परफेक्टली डन, इट शुड बी परफेक्टली लर्न्ड. सो आपने देखा कि कैसे आपके बच्चे एक्सटेम्परी में बोल रहे थे, कुछ फ्लॉस थे, कुछ फंबल कर रहे थे, और कुछ बोलना चाहते थे बट दिमाग में नहीं आ पा रहा था, वो वर्ड्स नहीं आ पा रहे थे, वो फिलर्स नहीं आ पा रहे थे. तो ये एक्सटेम्परी के प्रोसेस से हम अपने बच्चों के अंदर एक फ्लुएंट कम्युनिकेशन ला सकते हैं, एक फ्लॉलेस कम्युनिकेशन ला सकते हैं, और ये फ्लॉलेस कम्युनिकेशन उनको हेल्प करेगी इवेंचुअली उनका कोर्स, उनका कंटेंट को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में, अच्छे से पढ़ने में. क्योंकि जिस भाषा में हम बेस्ट समझते हैं वो भाषा में ही हमारी पढ़ाई होनी चाहिए. अगर हमारी भाषा अलग है पढ़ाई की, दैट मीन्स कि वो पढ़ाई कहीं ना कहीं 25%, 30%, 40%, 50% तक या 60% तक हो पा रही है टू द एक्सटेंट. सो इसको समझना बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच. वी विल कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क फॉर आवर किड्स. थैंक्स अ लॉट.